बिहार के गया जिले की बेटी सौम्या शर्मा, 8वीं क्लास की सौम्या को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चंद्रयान 2 की लाइव लैंडिंग देखने के लिए न्योता मिला है। दरअसल इसरो ने एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें 10 मिनट में 20 सवालों का जवाब देना था। सौम्या को महज 8 मिनट लगे, फिर तो किस्मत ही खुल गई। 31 अगस्त को सौम्या को इसरो से बेंगलोर आने का निमंत्रण मिल गया। अभी हम बोध गया के उनके घर में है, सौम्या के पूरे परिवार है, खुशी का जश्न है, पूरा माहौल है और बधाइयों का ताता लगा हुआ है। आइए हम बात करते हैं सौम्या से, कैसे ये चंद्रयान 2 के मून लैंडिंग में पहुंची है, पूरी दास्तान इनसे ही जानते हैं। कैसे आपको चंद्रयान 2 में शामिल होने का मौका मिला? एक्चुअली मैंने एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था और मैंने उसमें क्वालिफाई करा, इसलिए मुझे वहाँ पे ये जाने का मौका मिल रहा है। कैसे ये क्विज प्रतियोगिता का मौका मिला, किसने बताया? एक्चुअली पापा ने मुझे बताया था इसके बारे में, और पापा ने मुझे बताया कि ये है, मीन्स इस तरह से इसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, और पापा ने जैसा बताया मैंने वैसा करा। कब शामिल होना प्रधानमंत्री के लिए, कैसा लग रहा है? अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली उनसे मिलना मेरा एक मीन्स मेरा सपना था जो कि आज पूरा होता हुआ लग रहा है। अगर उनसे मिलने का मौका मिलता है, क्या मैसेज देंगे या कुछ बातचीत कैसा होगा? वो अगर उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं बस उनसे एक ही बात करूँगी कि मीन्स मैं उनसे प्रे करूँगी कि आप हमेशा ऐसे अच्छे काम करते रहो और आप बार बार भारत के प्रधानमंत्री बनते रहो। बिहार से आप ही एक शामिल है, क्या और होंगे? बिहार से एक मेरे साथ एक और बच्चा है, वो पटना का है, उसका नाम हर्ष प्रकाश है। मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। कैसे लगाओ कि साइंटिस्ट बने? मुझे साइंस बहुत ही पसंद है, नई चीज़ों को ढूंढना, नई चीज़ों के बारे में, नई चीज़ों को बनाना ढूंढना, मुझे ये सब बहुत पसंद है, इसलिए मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। कब यहाँ से बेंगलुरु की ओर? मैं कल यहाँ से रांची जाऊँगी या फिर रांची से बेंगलुरु। सौम्या के फादर हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसे प्रतियोगिता में शामिल होना। हमें तो पहले मन की बात में एक बार बताए थे मोदी जी, उसके बाद हमें पता चला था, तो हम लिंक ढूंढ ही रहे थे उसका, बाद में हमको लिंक भी पता चल गया बाय नेट। लिंक जब मिल गया तो फिर लिंक लाने के बाद हम इसको सौम्या को दिए। सौम्या को हम बोले कि अभी टाइम है, इसमें 2-4 दिन तैयारी कर लो। उसमें तैयारी करना ही शुरू कर दी। पूछी थी कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा पापा, क्या आएगा, हमको उसके बारे में तो अभी नहीं पता है, लेकिन अभी तुम जीके 2-4 दिन पढ़ लो, उसके बाद फिर हमको बताएंगे तुमको। फिर पहले 2-3 दिन जीके पढ़ी, उसके बाद एक दो का मैंने मेरे साथ का या इसी के साथ की एक बच्ची और दी थी, तो जब ओपन की थी तो उसका क्वेश्चन का पैटर्न इसको मालूम हो गया। फिर उससे बात की तो बोले किस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो बोला था इस टाइप का आया था, स्पेस के बारे में आया था, कुछ मैंने जीके का भी आया था उसमें मिली जुली। तो उसके बाद फिर जा कर के इसको मैंने अपडेट हो गया उससे, फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने बहुत गौरव की बात है। अब उसके नाम से हमें भी नाम से जानने लग गए, अब तो बहुत प्राउड हो रहा है। अभी बेटी को क्या बनाना पड़ा? बेटी जो जिसमें जाना चाहती है उसमें हम जितना होगा कोऑपरेट करेंगे। कैसा पढ़ने में सबसे रुचि रहा है? सर उसके पढ़ाई में रुचि हमेशा बना रहा है, वो ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ती, लेकिन जो पढ़ती है वो मन से पढ़ती है। सर कैसा फीलिंग लग रहा है? सर बहुत प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है। जी जी जी, कभी उसका सपना था, वो सपना अपना वो पूरा कर ले। वो बोलती थी कि हम जब भी कुछ साइंस का क्यूज होगा मम्मा हम देंगे और जरूर नरेंद्र मोदी से हम मिलेंगे, और इसरो ने ये सपना सौम्या का पूरा कर दिया। सर हम इसरो, सबसे पहले सर हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और दूसरा हम इसरो को, क्योंकि ऐसा ऐसा क्यूज निकाले हैं जो बच्चे लोग उत्साह से क्यूज का ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं, जिससे बच्चे लोग अंदर से ये उत्साह हुआ कि हम देंगे और निकल गई, तो दोनों सारे को धन्यवाद देते हैं।
आपको बता दें कि इसरो ने क्विज के जरिए देश भर से लगभग 72 स्टूडेंट्स को चुना है जो पीएम के साथ बैठकर मून पर चंद्रयान 2 की लाइव लैंडिंग देखेंगे। इसमें बिहार के दो विद्यार्थी हैं, पटना से हर्ष प्रकाश और बोधगया से सौम्या शर्मा।